मैंने 2 कप ताज़ा दूध लिया है, ये फुल फैट दूध है, दूध ऑलमोस्ट उबलना शुरू हो चुका है। इसमें हम 1/2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और इसको तुरंत मिलाएंगे पिस्कर से। मिल्क पाउडर अच्छे से मिल चुका है, गैस ऑन सिम मोड। ये मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक पेस्ट बनाएंगे। बिना किसी लम्स के कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छे से पानी में घुल चुका है। लगातार विस्क करते हुए हम कॉर्नफ्लोर को डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डालते ही हमारा मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने मिक्सचर को लगातार 2 मिनट के लिए पका लिया है। कॉर्नफ्लोर भी ऑलमोस्ट पक चुका है और हमारा घोल रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी तक पहुंच चुका है। गैस बंद करेंगे और इसके ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। मलाई अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। मलाई को गाढ़ा करने के लिए अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक विस्कर ना हो तो आप ये हैंड विस्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये मैं पेस्ट डाल रही हूँ जो हमने दूध, मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर से बनाया था। मिक्सचर और क्रीम को मिला देते हैं। ये हम काम हैंड विस्कर से कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम लगने वाला है। हम ब्लैक करंट आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं और ब्लैक करंट्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो ब्लैक करंट क्रश इजीली अवेलेबल है, तो उसका मैं 1 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। क्योंकि ये क्रश काफ़ी मीठा है इसलिए मैं इसमें बिल्कुल भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये क्रश को भी मिला देते हैं। ब्लैक करंट आइसक्रीम का परफेक्ट कलर आ चुका है। ब्लैक करंट आइसक्रीम का मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से तैयार है। इसके कुछ चंक्स डालने के लिए मैंने ये काले वाली किशमिश ली है जिसमें सीड्स भी होते हैं, इसे भिगो करके मैंने ये काट करके लिया है। भिगो करके काट करके ये इसमें डाल लेंगे और मिलाएंगे।